साथियों, ये धरना प्रदर्शन आज इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में भारत सरकार को बहुत पर्सनल लॉ लागू कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरह से पूरे भारत में आज बौद्धों को एक मत इस मुद्दे के ऊपर करने का काम साथियों आने वाले समय में एक बहुत बड़ा तूफान बनेगा। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि साथियों, ये जो आज का कार्यक्रम है, आज का जो धरना प्रदर्शन है, एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य ये है साथियों कि हमें भारत में बहुत पर्सनल लॉ लागू कराना है और साथियों इसके लिए हमें संघर्ष करना है, हमें सरकार से लड़ाई करना है, रास्ते पे करना है और केवल लड़ना ही नहीं है बल्कि हमको लड़ करके जीतना है और बहुत पर्सनल लॉ भारत में लागू कराना है। इसलिए साथियों, आप सभी से मेरी अपील है, हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से आए हैं, तमाम साथी हमारे आए हैं और आने वाले समय में साथियों जो भी कार्यक्रम यहाँ से निर्धारित किया जाएगा उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कभी पीछे नहीं रहेगा, आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से साथी आए हैं, इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये जो हमारे बौद्ध शासन को नष्ट किया है, हमारे बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया है, हमारी बौद्ध साहित्य को नष्ट किया है, ये जो पुष्य मित्र संघ की औलादे हैं, पुष्य मित्र संघ की सहायता में है, जो आज शासन में है, इनसे हमें इनका शासन छीनना है। और आने वाले समय में जिस तरह उत्तर प्रदेश में अगर कोई अगर ये जो भगवाधारी उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बन सकता है साथियों, तो हमें अपने बौद्ध समाज को इतना तैयार करना है कि आने वाले समय में हमारा कोई जीवनधारी बौद्ध भिक्षु इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस देश प्रदेश का सीएम बने, क्योंकि बौद्ध समाज को तैयार करना है साथियों। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात न करके केवल आपसे अपील करना चाहता हूँ कि प्रहेत्रत के बाद भारत में आज तक कोई भी बहुजन समाज का पूरे देश स्तर का हुक्मरान नहीं बना है साथियों। 2019 आपके सामने है और आपको ये तय करना है कि जो भी हमारे सामने वोट मांगने आएगा, पहली शर्त होगी हमारा वोट पर्सनल लागू करो, अगर तुम लागू नहीं करते हो तो हम तुम्हें वोट देने वाले नहीं है। इसलिए साथियों, इसको हमें तैयारी के साथ इस काम को करना है और 2019 में हमें बौद्ध अनुयायी, हमारा बौद्ध शासक इस देश में बनना चाहिए, उसके लिए साथियों में तैयारी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ दो लाइनों में मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि कर सको अपनी बाड़ी में तो वो असर पैदा करो, दुख हवाओं का मोड़ दो, वो हुनर पैदा करो, चाहते हो सम्मान से जीना कर इस देश में तो हर घर में बुद्ध कबीर अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में बुद्ध कबीर अम्बेडकर पैदा करो।